अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी एनसीबी बैंक में ऑनलाइन अकाउंट बनाए हो, आपने ऑनलाइन अकाउंट तो बना लिए हैं दोस्तों, लेकिन अब तक आपने एटीएम नहीं निकाला है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाइव जो है वो एनसीबी बैंक का एटीएम कैसे निकालते हैं खुद से वो सिखा रहा हूँ। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके दोस्तों, अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मैं आ गया हूँ एनसीबी बैंक का केओआईएस मशीन पर। तो सबसे पहले आपको ये करना है, ओके सबसे पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, जबान सिलेक्ट करना है, तो मैं इंग्लिश यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इस पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको रिफ़ंड नंबर मिला, तो आप रिफ़ंड नंबर पर क्लिक करें, नहीं तो आप अकामा नंबर पर क्लिक करें। तो मैं अकामा नंबर पर क्लिक कर रहा हूँ, ओके। तो उसके बाद मैं यहाँ से अपना अकामा नंबर ऐड कर दे रहा हूँ। दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्रोसेस जो है एकदम आसान प्रोसेस है, एकदम ईजी है। कोई भी ये वीडियो देख कर जो है आप खुद से ही ऑनलाइन अकाउंट बनाकर एनसीबी का और खुद से ही अपना एटीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने अकामा नंबर तो ऐड करके वहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया हूँ। तो ओटीपी जो है गाइस ये मेरे वो सिम पर जो है वो आया है, मैं यहाँ से ओटीपी देखकर यहाँ 4 डिजिट का ओटीपी आया है, मैं उसे एंटर कर दे रहा हूँ। ओके तो आप भी इस तरीके से आप अपना सिम ज़रूर साथ में लेकर जाए, क्योंकि उस पर ओटीपी आता है। तो यहाँ से आपको जो है आपका अकाउंट नंबर जो आपने ऑनलाइन अकाउंट बनाया है एनसीबी में वो आपको दिखाया जाएगा, ओके। उसके बाद आपको अप डाउन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लें यहाँ से। उसके बाद आपका नाम यहाँ पर शो किया जाएगा कि आपका जो है किस तरीके का नाम अपना एटीएम के ऊपर रखना चाहते हैं, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि ये आपका नाम और अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको शो हो रहा है, तो कंफर्म कर दें यहाँ से। उसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पर आपका फिंगर मांगा जाएगा आपसे, यहाँ आप देख सकते हो मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे में जो है फिंगर मतलब दाएँ हाथ का जो है वो शहादत वाली उंगली को यहाँ से आप जो है इस स्कैनर पर नीचे में स्कैन का ऑप्शन दिया जाता है रखा, देख सकते हैं आप। इस तरीके से आपको भी अपना फिंगर प्रिंट जो है वहाँ पर रखना है, इसी तरीके से आपको भी करना है जब तक कि वहाँ स्क्रीन पर फुल जो है वो कंफर्म ना ले लें, ओके। तो इस तरीके से आप भी जो है अपना फिंगर को ज़रूर अच्छे तरीके से ज़रूर रखें, और अच्छे तरीके से उसे कन्फर्म होने तक दबाए रखें, ओके। तो यहाँ से कंफर्म हो गया है, आप देख सकते हो सही का राइट का ऑप्शन दे दिया गया है, सक्सेसफुल मतलब हो गया है, योर कार्ड इज़ नाउ बीइंग प्रिंटेड। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों कि मेरा कार्ड जो है वो प्रिंट अब हो रहा है, ओके। तो देख सकते हो दोस्तों कि कितना आसान है जो है खुद से अपने एनसीबी बैंक का एटीएम को निकालना, ओके। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट कोरियर करेगा या बाई पोस्ट आएगा, आप खुद से करके यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों कंफर्म हो गया है। अब मुझसे जो है वो न्यू पिन मांगा जा रहा, मतलब पासवर्ड बोला जा रहा है कि हाँ 4 डिजिट का पासवर्ड लगाए, तो मैं यहाँ से कंफर्म कर दिया हूँ, 4 डिजिट का पासवर्ड जो है मैं यहाँ पर लगा के दोबारा मैंने कंफर्म कर दिया हूँ, ओके। डियर कस्टमर योर रिक्वेस्ट इज़ बिंग प्रोसेस, तो यहाँ जो है ये मेरा रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस हो रहा है, मतलब मेरा कार्ड जो है वो प्रिंट हो रहा है। और आपको यहाँ दोस्तों मज़ा आएगा तब जब एटीएम जो है वो जब बाहर आता है, ओके। जब आप बाहर आता है और उसे जब अपने हाथों में लेते हैं तो वो मंजर आपको बहुत ज़्यादा खुशी दिलाएगी, क्योंकि खुद से जो है ऑनलाइन अकाउंट बनाना, उसके बाद खुद से एटीएम कार्ड को प्रिंट करना बहुत ही खुशी मतलब खुशी वाली मुद्दत होती है, खुशी वाला मंजर होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों ये अभी भी मेरा रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस हो रहा है, मतलब कार्ड प्रिंट होने में दोस्तों आपको घबराना नहीं है, कार्ड प्रिंट होने में यहाँ आपको थोड़ा सा टाइम जो है लगता है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो दोस्तों, सऊदी अरब में अगर आपको, मैं जद्दा में हूँ, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका इंशाल्लाह जो है आपका सवाल का हर एक सवाल का जवाब मैं यहाँ पर आपको दूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों कि ये मेरा जो है कार्ड अभी भी प्रोसेस में है प्रिंट होने के लिए,
प्रिंट हो रहा है, ओके, तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो 2-3 मिनट लगता है प्रोसेस होने में, ओके, सो और कुछ ही सेकंड में जो है मेरा कार्ड, थैंक यू, ये मतलब देख सकते हो गाइस कितना जो है अच्छा मंजर है, ये ऑटोमेटिक ये जो है आपका राउंड होकर आपका एटीएम आपका हाथ में मिल जाएगा। शुक्रिया, मेहरबानी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।